मैंने आज तक अपने लालजी को कथा नहीं सुनाई। एक बार मैंने ये प्रयास कियो, और मैंने नहीं कियो, जिनने कथा कराई कलकत्ता के पास में एक जगह कथा ही, वे सब लोग आए बोले महाराज जी आज गोवर्धन पूजा है कथा में, लाल जी को लेके विराजो। मैंने कि लाल जी को मेरो ऐसो भाव रहे कि जब मैं कथा में जाऊं ना तो 3-4 घंटा ठाकुर जी सहज है जाते होंगे, या भुजा को नीचे कर लेते होंगे, ने हाथ पामन ने सीधे करके अंगड़ाई ले लेते होंगे, ग्वाल बालन ने बुला करके और पूरे कमरा में उधम मचाते होंगे, वहां मिठाई के डिब्बान ने उठा उठा खोल खोल के देखते होंगे, एक दूसरे पे फेंक के मारते होंगे, ये सब लीला ठाकुर जी की अंतरंग चलती होगी जब मैं कथा में रहूं। ठाकुर जी को थोड़ा समय तो अवकाश रहता होगा अपने सखान के काज। मेरे मन को भाव हमेशा यही होगी मैं कथा में जाऊंगा ठाकुर जी को नहीं ले जाऊंगा, वो अपने कक्ष में आनंद करेंगे। लेकिन वो सब आ गए आयोजक करता, बोले महाराज जी लाल जी जरूर आने चाहिए, आज आज गोवर्धन पूजा है, हमने 56 भोग तैयार किए, बहुत व्यवस्था करी। मैंने कहा ठीक है चलो इतना कह रहे हो तो ले आऊंगा, अब विश्वास मानना मेरी बात का, ठाकुर जी का सुख का विचार करके मैं नहीं लेके जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उनके सुख का भाव देखा। मैंने बेचारे इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं, इतने कह रहे हैं तो ले चलते। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था, श्रृंगार करते करते ये हमारे मुखिया जी भी संग में थे आप वहां कथा में, श्रृंगार करते करते पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया उस क्षेत्र में। मैं ठाकुर जी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागा, जब ये स्थिति हुई 2-3 वर्ष पुरानी बात है। मैंने कि भाई ये क्या हो रहा है, पहला संकेत ठाकुर जी ने दिया, बोले मोकू ना जानो श्रीधामा मधुमंगल मेरी बाट नहीं आ रहे हैं, सबरे गैयान की लेकर यहाँ पे आमेंगे, तू मोकू कथा में ले जाओ बेचारे दुखी है जाएंगे, यही भाव आया था हृदय में। तब भी मैंने एक बार फोन करवाया, मैंने ठाकुर जी नहीं आएंगे, देखो अभी आज मौसम भी ठीक नहीं है, बादल हो रहे हैं, भूकंप सा आया था। बोले नहीं महाराज जी सब व्यवस्था हो गई, आप ऐसे मत करो, ले आओ अब देख लो ये। मैंने ठीक है चलो ले चलो। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही वहां से निकलो कथा के लिए, गड़गड़ 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 करके बादलों ने गरजना शुरू किया, वाटरप्रूफ पंडाल था, मैंने कहा कोई नहीं कथा तो है ही जाएगी। अब विश्वास माने जैसे ही पंडाल में प्रवेश बगल से किया, और वे लोग सब छाता छत्री ले ले करके वहां पर ठाकुर जी के स्वागत में, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसी बिजली कड़की, ऐसी हवा आई कि वो करीब 300x150 का पंडाल था, एक हवा के झोंके में ही देखते 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 ध्वस्त हो गया, नष्ट। कथा का 6वां दिन, अभी 5वां दिन, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा बची थी, और मैं ठाकुर जी को लेके गाड़ी में ही बैठा हूं अभी, और सामने देख रहा हूं पंडाल नीचे आके समा गया। मैंने कही जय हो लाल जी, मुझको क्षमा करी हूं, आज मैंने बहुत अपराध कियो, मैंने आपके सुख को विचार ना कियो, आज मधुमंगल श्रीधामा को मेरी वजह से श्रम है गयो, इसलिए आपने ये सब कियो, आज क्षमा मांगू, अब नहीं आपको कभी कथा में श्रम नहीं दूंगा। फिर उस दिन 20 मिनट कथा करके फिर मैं गया, उस दिन के बाद कभी ठाकुर जी को लेके मैं कथाओं में नहीं गया, क्योंकि एक दो बार और मैंने प्रयास मात्र किया तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कि नहीं लाल जी का अवकाश का समय है। परंतु इस सुंदर भाव में देखो ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं, कैसे आनंद कर रहे हैं, कैसे सुख ले रहे हैं। यहां पे भी मैंने अपने सुख का विचार नहीं किया, यहां इनके सुख का विचार किया। यहां ठाकुर जी क्यों पधारे हैं, क्यों इस कथा में विराज रहे हैं, क्यों इस चर्चा में विराज रहे हैं, क्योंकि श्री जी को भाव है, श्री जी की चर्चा होगी। या हमारे श्री लाल जी ने मधुमंगल श्रीधामा आदि सबंत कह दी, 4 दिन की छुट्टी पे हूं मैं, 4 दिन कोई गैया चरावे नहीं जाऊंगा, क्यों कथा में जाऊंगा, क्यों बोले श्री जी प्रकट होंगे, और श्री जी को दर्शन करवे को मिले, श्री जी को श्रवण करवे को मिले, लाल जी वहां पीछे ना रहे आ गए, सहज भाव से विराज रहे। और ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता था आज ठाकुर जी ब्याह कर लेंगे, और कर आए देखो सुबह सुबह, अपने आप ही सब प्रयोजन, अपने आप ही सब युक्तियां बना बना करके सब क्रम कर रहे हैं, क्यों अपने प्रिय के सुख का भाव। तत्सुखे सुखित्वम,
तत् सुखे सुखित्व। श्री किशोरी जी को बहुत कष्ट होता है जब ये सब